हाय रुआन, कैसे आप सब लोग? आई होप आप सब लोग। दोस्तों, ये जो बोर्ड है ना, ये है ग्रेट वाइट कंपनी का 8 मॉड्यूलर बोर्ड। आप देख सकते हैं। सबसे पहले एक बार उसको मैं चेक कर लेता हूँ, टेस्टर चालू है कि नहीं। ये देखिए दोस्तों, इसका टेस्टर चालू है। इसका मतलब इसका जो सॉकेट है ना, ये चल रहा है। तो ये ज़्यादातर आपको ब्लैक स्विच दिख रहा है, स्विच ब्लैक है, सॉकेट ब्लैक है, और रेगुलेटर जो दिख रहा है वो वाइट दिख रहा है। दोस्तों, ये जो है ना, ये रेगुलेटर नॉर्मली ब्लैक ही था उसका, पर क्या होता है कभी कभी उसका ये नया वो आगे का जो आपको राउंड कलर का जो नॉब दिख रहा है ना, वो उसका टूट गया था, तो इसको वाइट कलर का हमने लगा दिया। हो जाता है, वो रिप्लेसमेंट दूसरा कंपनी का आप लगा सकते हो। ये इमरजेंसी के लिए क्या कभी कभी इस तरह से आप हम लोग कर सकते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे सॉकेट। इसके ये बोर्ड के अंदर अगर आपको घर में इस तरह का बोर्ड लगाना हो, तो इसके अंदर आप कितना स्विच रख सकते हैं, कितना लाइट के ऊपर स्विच रखते हैं। सबसे पहले अगर आप सो रहे तो राइट साइड में आपको एक तरह का सॉकेट आप रख सकते हो। राइट साइड में हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रिशियन रहता है घर में, हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा राइट साइड में ये रहते थे, सॉकेट रहते थे। तो सबसे पहले आप देख लीजिए, यहाँ पे इसके ऊपर ना, इस रूम के अंदर एक आपको फ़ैन मिल जाएगा, क्योंकि एक फ़ैन का स्विच रखा है। तो रेगुलेटर के साथ जो स्विच है वो फ़ैन का है दोस्तों। उसके साथ दो और एक्स्ट्रा लाइट का स्विच है, ये देख लीजिए, ऊपर है और एक नीचे होगा, ये देख लीजिए। तो सोचो, ये आपको मैं इसके वजह से जूम करके दिखा रहा हूँ, क्योंकि ये जो नॉब है वो अलग है वाइट कलर। आप सोच रहे होंगे इस तरह का नॉब कैसे हो सकता है। तो क्या वो जो ब्लैक कलर का था ना, उसके अंदर क्या होता है, जो ग्रेट वाइट कंपनी का जो अगर रेगुलेटर रहता है ना, उसका जो नॉब रहता है उसके ऊपर थ्रेड रहता है, थ्रेड। तो इसको आराम से ईजी हो, थ्रेड अप डाउन, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर फाइव, लास्ट फाइव तक हो जाता है। तो टॉपिक पे वापस आए दोस्तों, इसके अंदर ना आपको सबसे पहले दो स्विच है, मतलब दो स्विच ये राइट साइड में रखा है। ये देखो, यहाँ पे जो राइट साइड में ये सॉकेट का स्विच है, और सॉकेट के ऊपर जो है ना आपको दिख रहा है वो फ़ैन का स्विच है, और लास्ट में तो रेगुलेटर आपको दिख रहा है। और उसके साथ में जो दो एक्स्ट्रा स्विच है ना, तो उसके अंदर भी एक फॉल सीलिंग के लिए स्विच है, और एक जो स्विच है थोड़ा अलग स्विच है, मतलब जो रूम रहता है ना उनके बाहर का जो लाइट रहता है उसके ऊपर स्विच है। अगर आपको इस तरह का बोर्ड लगाना हो इसके अंदर, घर के अंदर, तो आप इसको डेफिनेटली लगा सकते हैं, क्योंकि उतना महंगा नहीं रहता है उसका जो प्राइस रहेगा ग्रेट वाइट कंपनी। और ग्रेट वाइट कंपनी का आप देख सकते हैं, दिखने में भी अच्छा लगता है, ये देख लो पूरी तरीके से दिखने में भी अच्छा लगता है दोस्तों। परफेक्टली न्यू है, इसको ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है बोर्ड को। अब देख इस तरह का भी, मुझे भी पर्सनली ये अच्छा लगा है ग्रेट वाइट कंपनी का, तो मैंने भी सोचा है ग्रेट वाइट कंपनी का प्रोडक्ट यूज कर लेंगे। मैं इसे ज़्यादा से ज़्यादा मेरे घर के अंदर भी मैं ज़्यादा से ज़्यादा एंकर का प्रोडक्ट यूज़ कर लेता हूँ। जो ज़्यादा से ज़्यादा जो बोर्ड है ना, तो एंकर का है, पर आप ग्रेट वाइट कंपनी का प्रोडक्ट ले सकते हैं, उसका क्वालिटी बहुत ही अच्छा। तो और जो स्विच रहते हैं ना, वो बहुत ही ईजी होता है। आप देख सकते हैं इसका कनेक्शन ना बहुत ही नॉर्मल ईजी है, और ये जो आप राइट साइड में देख रहे हैं ना, ये प्लेट देखो पूरी परफेक्ट, मतलब वो जिस भी इलेक्ट्रिशियन ने ये बोर्ड लगाया होगा ना, उसने परफेक्टली लगाया, क्योंकि ना ज़्यादा परफेक्ट, क्योंकि जो आपको ऊपर का जो प्लेट रहता है, प्लेट जो क्यों रहता है, क्योंकि हम लोग जो स्क्रू रहता है ना, उसको पूरी तरीके से स्क्रू नहीं दिखना चाहिए, और जो प्लेट रहता है ना, वो दीवार को अच्छी तरीके से टच होना चाहिए। इस तरह का बोर्ड लगा रहा था। और ये देख लीजिए, ये जो स्विच है ना, बहुत इजी ऑन ऑफ हो रहा है, ये देख लीजिए। इसकी वजह से मैंने इसको एक दो बार चालू करके दिखाया। इसके अंदर आपको मिल जाएगा एक रेगुलेटर, एक फ़ैन का स्विच मिल जाएगा 8 मॉडल बोर्ड के अंदर, एक फ़ैन का स्विच, एक सॉकेट का स्विच, और दो लाइट का स्विच। लाइट आप डिसाइड कर लीजिए आपको किस तरह का, कौन सा लाइट का आपको चाहिए दोस्तों। इस तरह ये देख लीजिए, आपको जूम करके मैं दिखा रहा हूँ, क्योंकि ये जो प्लेट है ना, अब देखने में बहुत ही अच्छा लगा। मुझे तो पर्सनली ग्रेट वाइट कंपनी का प्रोडक्ट बहुत अच्छी चल रहा है, मैंने बहुत लोगों को रिकमेंड किया है, बहुत लोगों ने ये देखा, बोला है, रिव्यू किया, पॉजिटिव रिव्यू किया है, क्योंकि ग्रेट वाइट कंपनी का प्रोडक्ट जो रहता है उसका क्वालिटी बहुत ही अच्छा है। ये देख लीजिए, जूम करके देखिए, सॉकेट आप देख लीजिए, ये जो सॉकेट है ना, वो 16 एम्पियर सॉकेट नहीं है, ये 6 एम्पियर सॉकेट है, मतलब इसके अंदर ज़्यादा से ज़्यादा नॉर्मली 6 एम्पियर, मतलब इसका जो सर्किट रहेगा ना, ये 1.5 का सर्किट रहेगा, इसके अंदर 2.5 का नहीं, क्योंकि ये नॉर्मल सर्किट है दोस्तों। तो इसके वजह से इस तरह का बोर्ड आप ले सकते हैं।